हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनू कुमार। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। आवर टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन बेसिकली क्या है आपकी रिमाइंडर थ्योरम की? इफ पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, इफ पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल डिग्री ग्रेटर देन वन एंड ए इज ए रियल नंबर एंड ए इज अ रियल नंबर, देन वी कैन से ए इज ए रियल नंबर। ए वेयर ए belongs to real number। A यहां पर क्या है आपका? real number है। तो जो आपका px होगा then px is px आपका क्या होगा यहां पे? divided करेगा। px is divided by x minus a। px is divided by x minus a। then we can say that तब हम कह सकते हैं कि यहां पे जो आपका रिमाइंडर होगा, फैक्टर थ्योरम मींस जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका पी ए के बराबर होगा। तो यहां पे इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे आपका कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई एग्जाम्पल है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ये आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? फाइंड रिमाइंडर ऑफ एक्स माइनस एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हम क्या करेंगे यहां पे? सबसे पहले जो हमारा एक्स माइनस वन है इज इक्वल टू क्या रखेंगे? जीरो। और यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस का वन। देन वी कैन पुट दीज वैल्यू इन द गिवन पॉलीनोमियल। ये आपका क्या है? पॉलीनोमियल है। इस पॉलीनोमियल में आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे तब आपका क्या मिलेगा? रिमाइंडर। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, देन यहां पे एक्स का मान रखेंगे वन और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका वन प्लस वन प्लस वन। तो यहां पर कितना आया? एक्स बराबर वन रखने पर आपका कितना मिला? तीन मिला। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर तीन क्या है इसका? यहां पर एक्स बराबर वन रखने के बाद जो आपका रिमाइंडर है इसका क्या है? आपका तीन है। ये आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। एक एग्जांपल के बारे में और बात करते हैं हम। Our next example is find reminder of x cube minus 3x plus 5 is divided by x plus 2 is divided by एक्स प्लस टू। ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां पे ये आपका क्या है? पॉलीनोमियल है और इस पॉलीनोमियल में आपका जो गिवन है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का मान यहां से कितना आ जाएगा हमारा? एक्स इज इक्वल टू माइनस का
2, then we can put this value in the given polynomial. The given polynomial is px is equal to x cube minus 3x plus 5. So we can say x, what is the value of x? Minus 2, minus 2 cube minus 3 minus 2 and plus 5. यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, अगर नेगेटिव नंबर की पावर आपकी इवन है तो आपका पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव नंबर की पावर आपकी ओड है तो आपका हमेशा जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। तो यहां पर माइनस टू की पावर कितनी है? ओड है, तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 3 टू जा 6 प्लस 5, इसको सोल्व करेंगे माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 11, प्लस का 11 और माइनस का 8 प्लस के 3, तो प्लस का 3 क्या है? इसका रिमाइंडर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रिमाइंडर रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये ले लेते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब जो हमारी ये प्रॉब्लम है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और यहां पे ये आपका गिवन वैल्यू है जिससे आपको डिवाइड करना है। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का हाफ। अब क्या करेंगे, देन यू कैन पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल। सो यू हैव द पॉलिनोमियल वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, देन यू कैन पुट द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हाफ, एंड देन यू कैन फाइंड द 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3। सो यू कैन सोल्व इट इजिली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टर थ्योरम। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर थ्योरम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। If polynomial PX is degree greater than equal 1, then divided by x minus a, then we can say x minus is a factor of px, x minus a is a factor of px, then। तब हम कह सकते हैं कि यहां पे जो आपका फैक्टर पार्ट है, अब फैक्टर पार्ट है तो बेसिकली आपको पता है यहाँ पे x का मान कितना है, प्लस का a है। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में समझी थी ये बात। अब यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अब मान लो x इज इक्वल टू आपका a है, तो आपको क्या करना है, दिए हुए पॉलिनोमियल में उस x के वैल्यू को पुट करना है। यदि पुट करने के बाद आपका जो आंसर है वो 0 मिलता है, देन यू कैन से x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x की जगह हम क्या रखेंगे यहां पे, a, और आपका
कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये आपके क्या है, फैक्टर थ्योरम है। अब फैक्टर थ्योरम के भी हम कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे आपका क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे आपका चेक वेदर वेदर x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका माइनस का आपका सेवन। अब हम चेक करेंगे दिए हुए पॉलिनोमियल में x का वैल्यू रखने के बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारा इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर हमारा आंसर जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, और यदि जीरो नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस ए की जगह आपका कितना है, x माइनस 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू कितना जाएगा, 3। अब x के वैल्यू को जो आपका पॉलिनोमियल दिया है इसमें रख के देखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 5 × 3 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा आपका 27, ये कितना आ जाएगा आपका 9, ये कितना आ जाएगा आपका 15, और ये कितना आ जाएगा आपका 7। आफ्टर डैट 17, और ये भी 17, 27, ये 27, ये 27, 15 माइनस 7, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 8। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद आपको 0 नहीं प्राप्त हुआ। You can not find the value of this polynomial 0, then you can say x minus a is not factor of x cube minus 3x square plus 5x minus 7. अब हम next example की बात करते हैं। So students, our last question is consider the polynomial function. The polynomial function fx is equal to x square plus 2x minus 15। तो यहां पे ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं करके, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैथमेटिक्स का हम बेसिक्स कर रहे हैं, बेसिक्स में क्या है, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम आपसे आनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज आपका 11th 12th आपका आईआईटी जेई सब जगह आपको पर देखने को मिलता है। सो आवर क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे। सो वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो वी हैव द पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, दिस इज अवर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे और जो एफ एक्स का वैल्यू है उसको सोल्व करेंगे। ये क्या है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे 15 के ऐसे फैक्टर जो 2 आए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 5 = 15, 3x 5 × 3 = 15, 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये आपके यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x प्लस 5 बच गया, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लिया तो आपके पास x प्लस 5 बच गया इज इक्वल टू 0।
सो स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस फाइव और x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस का फाइव। आफ्टर दैट यू कैन कंपेयर x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस थ्री। तो यहाँ पे आपके क्या आ गए, दो रूट आ गए। अब इन दो रूट्स को हम चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद, ये हमारे इसके फैक्टर पार्ट हैं या नहीं है। सो स्टूडेंट्स वी कैन पुट दिस वैल्यू इन द पॉलिनोमियल, सो वी हैव द पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। देन यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। सो फर्स्टली वी कैन पुट द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। सो स्टूडेंट्स लुक हियर, एक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, माइनस फाइव। सो यू कैन पुट हियर माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन। फाइव फाइव जा 25, 5 टू जा 10 माइनस 15। सो स्टूडेंट्स 25 एंड यू कैन ऐड द नेगेटिव वैल्यूज माइनस 10 और माइनस 15। सो स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड 25 एंड 25 माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। सो माइनस 5 इज इक्वल टू, व्हेन यू पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 5 देन यू कैन फाइंड इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से x प्लस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एंड स्टूडेंट्स वी कैन पुट द नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू थ्री। सो वी कैन और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। सो वी कैन पुट द वैल्यू थ्री, थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री माइनस फिफ्टीन, नाइन सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन देन यू कैन फाइंड जीरो। सो वी कैन से डेट एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस थ्री इज ए पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। तो आज की हमारी क्लास फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हमने कंप्लीट किया, इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार हम मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स क्लास हमारी चल रही है, इसमें आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक लेकर आएंगे बेसिक्स के, जिनसे आपका थोड़ा मैथ क्या है, आपका जो प्राइमरी मैथमेटिक्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।